आज है 2 अगस्त 2021 और आज हम फिर से रेडी हैं अपनी करंट अफेयर्स के एक वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेंगी और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। इंडिया के कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, केरला। केरला ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और इसका पर्पस था टू प्रिवेंट डाउरी रिलेटेड इश्यूज, साइबर बुलिंग एंड ह्यूमिलिएशन इन पब्लिक प्लेसेस। अब क्वेश्चन में है केरला, तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये है इंडिया का मैप और ये है साउथ में केरला। इसकी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, इसके CM है पिनराई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लैंडलेस फार्मर्स। वो इंडिया के कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिसाइड किया है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी लैंडलेस फार्मर्स को? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्कीम के अंदर ये डिसाइड किया है कि ऐसे फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं है या फिर जो पर डिपेंड है, जैसे मनरेगा पर डिपेंड है अपनी लाइवलीहुड के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट उसे 6,000 रुपये सालाना प्रोवाइड करेगी। अब क्वेश्चन में है छत्तीसगढ़, तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये है इंडिया का मैप और यह है छत्तीसगढ़। इसके CM है भूपेश बघेल और इसके गवर्नर है अनुसुईया UKE। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड रेंजर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 31 जुलाई। हर साल 31 जुलाई को वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका पर्पस है टू कोमेमोरेट, मतलब उन लोगों को याद करना जो रेंजर जो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में या तो इंजर्ड हो गए या फिर शहीद हो गए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच स्टेट इज गोइंग टू हैव बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क। कौन सी इंडिया की स्टेट है जो बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप करने वाली है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, असम। असम इस बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप करने वाली है जिसका बजट है 50 करोड़ और इसका टोटल एरिया है 75 हेक्टेयर्स। क्वेश्चन में आए हैं असम, तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये है इंडिया का मैप और ये है नॉर्थ ईस्ट में असम, और नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स है असम उसमें से एक स्टेट है। इसके CM है हिमंता बिस्वा सरमा और गवर्नर है जगदीश मुखी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड 10 लाख फाइनेंशियल एड टू फैमिली ऑफ जर्नलिस्ट। वो इंडिया की कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये अनाउंस किया है कि इंडिया में जितने भी जर्नलिस्ट हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी फैमिली 10 लाख फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, UP। UP के CM योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 36 जर्नलिस्ट की फैमिली को 10 लाख फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की, जिसमें रोहित सरदाना भी एक थे। अब क्वेश्चन में है UP, तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये है इंडिया का मैप और ये है UP। इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसके CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आनंद राधाकृष्णन विंस आइजनर अवार्ड। दिस अवार्ड इज एसोसिएटेड विद। हाल ही में आनंद राधाकृष्णन ने आइजनर अवार्ड जीता। इस अवार्ड को किस फील्ड में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आर्ट। इस अवार्ड को किसी भी आर्ट की फॉर्म के लिए दिया जाता है और आनंद राधाकृष्णन ने इसे पेंटिंग और मल्टीमीडिया में जीता है। अब बात करते हैं आइजनर अवार्ड की, तो आइजनर अवार्ड कॉमिक फील्ड का ऑस्कर माना जाता है और इसका नाम ग्राफिक नोवेल लेजेंड विल आइजनर के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू एस्टेब्लिश स्पेशल टास्क फोर्स फॉर काउ प्रोटेक्शन। वो इंडिया के कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने स्टेट में एक स्पेशल टास्क फोर्स को सेटअप करने वाली है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब एक स्पेशल टास्क फोर्स को स्टेब्लिश करने वाली है, जिसमें वो स्पेशल टास्क फोर्स में गौ सेवक और गौ रक्षक को इंक्लूड करेगी और इसे बोथ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेटअप किया जाएगा। और स्पेशल टास्क फोर्स को स्टेब्लिश करने का पर्पस है टू प्रिवेंट स्मगलिंग एंड स्लॉटर ऑफ काउज। ये है इंडिया का मैप और ये है हरियाणा। इसके CM है मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। क्वेश्चन नंबर एट, हु इज गोइंग टू लॉन्च ERUPI? ERUPI को कौन लॉन्च करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। इंडिया के PM नरेंद्र मोदी ERUPI को लॉन्च करने वाले हैं और ERUPI एक कैशलेस कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। मुस्लिम वुमेन राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1 अगस्त। हर साल अगस्त की पहली तारीख को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका पर्पस है टू सेलिब्रेट द इनैक्टमेंट ऑफ लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th,
सेंटेरियन स्प्रिंटर मैन कौर पास्ड अवे, शी इज अ, हाल ही में सेंटेरियन स्प्रिंटर मैन कौर की डेथ हो गई, तो वो कौन थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एथलीट। वो एक एथलीट थी और उन्हें माइरेकल मॉम फ्रॉम चंडीगढ़ के नाम से भी जाना जाता था, और उन्होंने अपना पहला मेडल 2007 में जीता था और गोल्ड मेडल वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैम्पियनशिप पोलैंड में जीता था। ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।